Inshallah, बहुत जल्दी इलेक्शन में भी पार्ट लेने वाले ये रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है क्यों हमें हमारी आवाज़ उठाने के लिए किसी और का दरवाजा खटखटाना पड़े हम, mm -hmm. क्यों हम क्यों खुद पॉलिटिक्स नहीं चलाए हम क्यों अपनी लॉ भी ना बनाए तो हमारा भी हक बनता है ना mm -hmm. की हम भी फैसले ले सके क्योंकि वो हमारे घर है हम वहाँ रहते हैं लाइक इसमें कुछ कुछ गलत हुआ mm -hmm. नहीं, नहीं है लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बना के आगे बढ़ो तो वेब शॉप का आपको ख्याल कैसा आया तो आज जस्ट गेम लाइक एक ऑफर के मैं इतने में खरीद लूंगा आई आई हैव 157 लोकेशंस ऑफ ऑल ओवर अमेरिका यू जॉइन

सबसे अच्छा लगता है मुझे <laughs> Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज थोड़ा सा डिफरेंट इंटरव्यू कर रहे हैं हम गपशप कर रहे हैं इनफैक्ट मुझे लगता है आज से 30-50 साल पहले भी अमेरिका जाना द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी द लैंड ऑफ फेयर वॉज अ बिग ड्रीम और आज भी मुझे लगता है जो नौजवान हैं 18-19 साल के उनकी आंखों में यही ड्रीम मुझे बहुत से लोगों की आंखों में नजर आता है तो कुछ ज़्यादा चीज़ें शायद चेंज नहीं हुई हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो जो ख़्वाब हम लोग देखते हैं तो हमने सोचा अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई एक साहब से जिन्होंने ये ख़्वाब आई थिंक कोई पंद्रह साल पहले देखा था या शायद ख्वाब नहीं देखा था बट वो पाकिस्तान से अमेरिका मूव कर गए और आज वो बहुत इस्टेबलिश्ड हैं माशाल्लाह से मोर देन टू हंड्रेड रिटेल आउटलेट्स जिसमें गैस स्टेशन भी हैं जिसमें वेपिंग आउटलेट्स भी हैं जिसमें फूड भी है और जिसमें रियल स्टेट भी है वो ओन करते हैं और उसके साथ साथ यू पुलिस के भी हिस्सा हैं वो तो ये एक ऐसी कहानी मुझे लगी जिससे हम कुछ सच्चाई कुछ ख्वाब कुछ रियलिटी, कुछ फैंटसी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं इस सारी सफ़र के बारे में या ये जो लोग जाना चाहते हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं तो मैंने उनको आज इनवाइट किया है अली शेखानी हमारे साथ हैं हु मूव टू यू एस वैन ही वॉज नाइन्टीन ईयर्स ओल्ड एंड उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में भी बहुत कुछ किया है द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आज पंद्रह सत्रह सोलह साल हो गए उनको वहाँ से गए हुए यहाँ से गए हुए नॉर्थ नाजाबाद से बिलोंग करते थे बट नाओ ही इज़ कमिंग बैक टू कराची एंड पाकिस्तान एंड गिविंग बैक टू पाकिस्तान सो आज हमारे साथ अली शकानी है हम उनके सफ़र के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे क्या स्ट्रगल्स हैं एक रियलिस्टिक पिक्चर पेश करने की कोशिश करेंगे फॉर ऑल दोज पीपल हु आर स्टिल ड्रीमिंग टू गो टू द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ सो आइए मिलते हैं और कुछ ये भी मालूम करते हैं कि उनके पाकिस्तान में क्या प्लान्स हैं असलकुम अली कैसे हैं आपको हाउ इज़ इट बींग बैक इन कराची बस आप आते रहते हैं ना हर दूसरे clear. महीने तीसरे महीने

वैसे होंगे दोस्त तो आर यू स्टिल इन टच या या आई एम ओके ओके तो वो क्या कहते हैं so, उनको तो बड़ा उनमें से बहुत से बोला नहीं हमें भी बुला लो यार वहां पे uh, दो चार हैं मैं उसमें से एक मेरा दोस्त ऑलरेडी आ चुका है अच्छा uh, बाकी दोस्त यार वेल माशाल्लाह तो क्यों गए आप यूएस पाकिस्तान छोड़ के लॉन्ग स्टोरी सो लेट्स जस्ट पुट इट देयर वे सो मेरी दादी सिजन थी उबादोशी अप्लाइड इन बैक इन 1996 फैमिली का एंड देन उसके बाद यू नो टेन ईयर्स कुछ जैसा लगे तो उसके बाद वहाँ पर आ गए एंड जब तक हम गए दादी का इंतकाल हो चुका था वहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई थी हाँ लेकिन आप क्यों गए वहाँ पे गया गया? मतलब यहाँ क्या था यहाँ क्यों नहीं आपने कुछ करियर किया पूरी फैमिली शिफ्ट की या आप अकेले गए थे नहीं पूरी फैमिली गई थी अच्छा पूरी पर, फैमिली okay. गई थी ओके okay, सो so, अमेरिका के अगर यहाँ की बात करते यहाँ पर भी वो काम कर रहा था hmm. आ, सोनार का, का काम कर रहा था बैक इन द डेज आई मीन आई वॉज वर्किंग फॉर फॉर एक्चुअली आई वर्किंग कजन तो पर काम करता था लेकिन यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज थी ऐसा नहीं था यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी पर जब अपॉर्चुनिटी लगी अमेरिका जाने की तो यू नो आई चूज के मैं वहाँ जाके अपनी लाइफ बनाऊँ तो 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 सब पूरी फैमिली आपकी, पूरी फैमिली के थी, कौन का। 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 फैमिली फैमिली कौन-कौन में आपके पेरेंट्स प्लस मेरी uh, माम अल्लाह नसीब करे डैड एंड टू सिस्टर्स आसान होगा जब पूरी फैमिली जाती है है तो एक 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 सपोर्ट भी होती है दूसरे के साथ रादर देन के एक अकेला लड़का वहाँ जाएगी बनाने की अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो आपके पास सिर्फ आपके नहीं अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती That's है राइट right? mm -hmm. अगर आप अकेले जाते हो तो लाइक यू हैव लाइक ओके ओनली मैं मैं ही काम करूंगा मैं ही जमा करूंगा मैं ही सब कुछ करूंगा राइट पर फैमिली जाती है तो यू हैव टू वॉच और फैमिली का पूरा टेक केयर करना yeah. जरूरी होता है हर okay. चीज़ें देखनी पड़ती है सो आप नैमिली के साथ जाना हार्ड है या अकेले जाना mm -hmm. हार्ड है पर इट्स लाइक हाउ यू थिंक ओके okay. तो वहाँ पहुंच के आपने पढ़ाई नहीं कंटिन्यू की नहीं नहीं पढ़ाई कंटिन्यू उस उस टाइम पे नहीं करी थी ओके okay. जॉब okay, करनी, okay. okay. uh, करनी है अपने बिल्स पे करने. Okay. तो मैं फर्स्ट जॉब जब गैस स्टेशन में लगा था जॉब लेना चीजें लाइक जैसे कजन और जो लोग यहाँ पर आते थे पाकिस्तान चाचा वगैरह फैमिली वहाँ थी तो hmm. सपोर्ट so, किसी की नहीं पर जैसे कि हम ऑफ कोर्स यू नो वहाँ पर रहते थे तो वो लोग जब भी आते थे तो एक ही बात बोलते ही चीज होती थी, वहाँ कि करना so, है तो गैस स्टेशन oh, yes, oh, yes, <laughs> करना है एंड hmm. uh, फिर वहां गए तो गैस स्टेशन में जॉब करी क्योंकि अब एक नाइन परसेंट जो हमारे लोग जाते हैं उनके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं उसमें ऑप्शन होता है गैस स्टेशन में काम करना सिंपल है ना अब चेंज हो गया या अभी भी ये है अभी बहुत चेंज हो गया है अब डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स जस्ट एग्जांपल लाइक लोग सेलफोन में ज्यादा जा रहे हैं आज के टाइम mm, पे yeah. और हमारे लोग अभी एजुकेशन में भी लाइक आईटी में बहुत है और उसके बाद uh,

और फिल्म जो अमेरिका है वो अमेरिका रियल नहीं है अच्छा बिल्कुल भी नहीं रियल नहीं है चीजें ओके okay, फिल्म के अंदर देखते हो कि हर चीज बहुत खूबसूरत है लाइक uh, like, हर चीज लाइक like, बहुत अच्छी अमेरिका तो है, बहुत है नहीं है। अमेरिका हम तो कहते हैं वो, वो तो दुनिया वो है कि बस वही तो दुनिया है बिल्कुल अमेरिका बहुत खूबसूरत है लेकिन अमेरिका में भी गरीबी है अमेरिका के अंदर भी लाइक लोअर मिडिल क्लास लोग हैं अमेरिका के अंदर भी टूटे हुए घर हैं लाइक अमेरिका में भी ये सब कुछ जो दिखाते हैं उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाते हैं तो है। लोगों के दिमाग में हो गई यही अमेरिका नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है अमेरिका में भी बहुत गरीबी है अमेरिका में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी आप फिल्मों में और कभी लाइक टीवी वगैरह में नहीं देखता तो कोई मुश्किल थी जब आपने जाके वहाँ स्टार्ट किया ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस एज अ पाकिस्तानी जो सिर्फ उन्नीस साल के थे और एक कंफर्टेबल इन्वामेंट से निकल के यहाँ का ऑफकोर्स स्टैटस डिफरेंट था और वहाँ गए तो एक डिफरेंट स्टैटस <coughs> तो कैसी थी रियलिस्टिकली दुनिया जिंदगी उस वक्त आपके लिए क्या मैंटली आपको एडजस्ट करना पड़ा और वॉज इट इजी ओके सबसे पहले जब जाते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट है वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश है हम यहाँ पर hmm. उर्दू बोलते हो सबसे पहले कम्युनिकेशन की चीज़ें डिफरेंट आती है राइट right? एंड उसके बाद जब आप अमेरिका जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती जस्ट एन एग्जाम्पल

और फोन आता था, था जल्दी उठो नहीं <laughs> नहीं नहीं जब मैं स्टार्टिंग मैंने नाइट जॉब करी थी oh. so, मतलब oh. आप पूरे कराची वाले थे आपने कहा मैं दिन में काम नहीं करा मैं तो रात को जागूंगा नहीं मेरे पास ऑपर्चुनिटी okay. है तो जो मिली थी वो ले ली और वैसे okay, भी अगर

तो एक तो आपके बचपन के जो दोस्त होते हैं उनसे आपकी गरीबी और अमीरी से को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो एक तो आपकी अलग ही मोहब्बत होती राइट फिर जस्टिस से आप आगे बढ़ते जाते हैं ना तो फिर अगर, अगर आप गरीब है तो फिर आप एक कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ देखते हैं जहाँ पर लोग आपको काटना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप गरीब है अगर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होती राइट तो जब मैं पाकिस्तान गया था अमेरिका गया था तो फिर मैं आपको पहली फनी स्टोरी बताऊँ तो मेरी पहली जॉब थी पहला दिन था मैं शेल गैस स्टेशन में लगा था तो मैं मेरी एंट्री के ऊपर लाइक मैं आई मीन यू नो अच्छे वाले सूट सूट पहना था और अच्छे वाले शूज़ पहने थे वगैरह ना तो जो कराची से लेकर गया था वहाँ पर राइट तो मेरी एंट्री के ऊपर मैं जैसे घुसा हूँ मुझे मेरे मैनेजर ने लाइक थोड़ा सा डांटा कि क्या पहन कर आए वो तो मैंने बोला क्या मतलब तो यूज लाइक यार वो जाओ शेल की टी शर्ट पहनो Hmm. और ये कौन से जूते पहने हुए हैं लाइक तो उस यू नो औकात ऐसे समझ आ गई कि यार रियली really? लाइक hmm. like, आपको आपकी औकात नहीं नो लाइक आपको दिखा दी काम करो हाँ, हाँ. तो यार अमेरिका में एक मिनट के अंदर हो गया चलो इंसान के बच्चे काम करो राइट फोकस पहले दिन ही मेरा अमेरिका का बड़ी बिल्डिंग है और वो सारी फिल्मों वाली चीज और यू नो और फैनो सब सब उधर

पर वहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई तो वो कितना अरसा लगा वन ईयर हाउ मे हाउ मच मुझे ठीक मी लाइक आई बिलीव इलेवन मंथ्स टू ओन लाइक ओन नहीं कह सकते लाइक वो अ पार्टनरशिप ये पार्टनरशिप गैस स्टेशन लीज पर लिया हुआ था ओके ओके सो ये इतने यंग एज पे इतने यंग लड़की को ये विजन या ये आइडिया व्हाट प्रॉम्प्टेड इट व्हाट इंस्पायर्ड यू के नहीं यार मैं ये विद इन 4 मंथ्स यू सेइंग राइट right? कि नहीं मुझे अपना ओन करना है ये ये मैं मैं जानना चाहती हूँ कि क्या थॉट प्रोसेस था कोई वाक्य हुआ जिसने आपको ये ट्रिगर किया आ, या बचपन से ही आप इतने इतनेशस थे ओके okay, uh, दो चीज जब मैं कराची में यहाँ पर था तो मैं हमेशा से हासिल करने की कोशिश करता था हेयर एंड देयर राइट तो जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे आ, मुझे समझ आ गया था पहले दिन ही बोली बना ना मुझे पहले दिन तो ही जब मेरे मैनेजर ने मुझे जलीन लिया था ना औकात याद नेवर यूज द औकात वर्ड बट लाइक दे रियली यू नो यार यही है तुम्हारी औकात अभी तुम जॉब कर रहे हो तो मुझे वो पहले दिन इतनी बात खटकी थी कि मुझे कहा था कि अब करना है तो कुछ करना है क्योंकि मुझे गरीबी से बहुत डर लगता है लाइक शुरू से मुझे ना लाइक जो टाइम गुजरा मुझे गरीबी से बहुत डर लगता है क्योंकि आ रहा नो आई मीन मैं यहाँ पर गरीबी या मीरी की बात नहीं करना नहीं चाह रहा हूँ पर हम जैसे लाइक मुझे मुझे आई मीन मैं गिरने से नहीं डरता मैं फेल होने से नहीं डरता हाँ गरीबी से डरता हूँ तो मुझे वो हमेशा से था, था कि यार ये गरीब वाली लाइफ नहीं जी सकता जस्ट नॉट डू इट तो एक अलग विजन था तो मैंने कहा कुछ भी करना है पर अपना करना है तो वो उसने क्लिक किया कि नहीं मुझे इस पोजिशन में नहीं रहना कि कोई मुझे आके ये बोले

एंड ऑफ कोर्स सिस्टर्स एंड डैर व लाइक जब आप स्टोल uh, ले लो तो ऐसा नहीं कि अब आपके डॉलर्स गिरना शुरू हो गए ऐसा कुछ भी नहीं था दैन यू हैव टू वर्क हाउस सो मुझे yeah. आज भी याद है तो मैंने अपना स्टोल लिया तो आव वर्क एटीन आवर्स अ डे गेट वन एंड हाफ ईयर राइट सो मैं रोजाना सुबह छः बजे से लेकर रात के बारह बजे तक काम करता wow. था फिर घर जाता था एंड देगा एंड देन फिर सुबह उठ mm. के फिर वापस स्टोर पर जाता था इट टिक मी लाइक ईयर एंड हाफ़ लाइक पैसे स्टैब्लिश करने के लिए बैंक को पैसा निकालने के लिए सो इट हाफ स्टार्ट करने के लिए फिर उसके बाद uh, मैंने सेल फोन का, का काम किया था बाइंग एंड सेलिंग का फिर सेल फोन स्टोर खोले फिर वेब शॉप खोले फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी ली लाइक इस तरीके से करते करते स्लोली स्लोली ना आगे so वो अठारह घंटे जो काम करते थे वो डेढ़ साल आप उसमें और कुछ नहीं सोचते थे बस सुबह शाम सुबह शाम काम 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 ये जिम्मेदारी जो होती है ना वो आपसे uh, काम करवाती है और नॉन स्टॉप काम करवाती है well, आप उस बहुत यंग होंगे और उस उस टाइम पे इतने फोकस के साथ अपने एम्बिशन या अपने को फॉलो करना अगर exactly. yeah. आज भी लाइक अल्लाह का बहुत शुक्र है uh, अगर आज भी अपना फोकस तोड़ता हूँ ना तो मैं नुकसान करता हूँ तो so मैं आज भी उसी तरीके से हूँ आज भी मैं सुबह उठ के अपने ऑफिस पहले पहुँचता हूँ आज भी मैं हर वो चीज़ करता हूँ जो मैं आज से पंद्रह साल पहले करता था। चलिए फूड की कहानी तो मुझे पता है कि वो आप, आप, आप आपके गैस स्टेशन पे या कहीं एक वो फ्राइड चिकन की शॉप थी जिसको देखा आप तो आपने सोचा यार मैं क्यों नहीं ले लूँ एंड देन यू बॉट नहीं वो मेरी को मेरी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चर्चेस चिकन था एंड देन वो नहीं चला सका एंड देन आप बाहर इन द उससे मैंने ऐड करा था या तो तो वेप शॉप का आपको ख्याल कैसा आया वेप शॉप का कहानी बड़ी मजे की है एंड 2012 uh, वहां पर एक देसी रेस्टोरेंट है तो मैं वहां पर गया था तो वहां पर एक uh, को बंदा मुझे मिला उसका को पार्ट ऑन होता समथिंग एंड ही वाज लाइक यार वो मैंने एक वेप शॉप खोला है एंड देन आई वांट टू सेल इट तो मैंने कहा ओके okay, ठीक है लेट मी चेक इट आउट तो मैं वहाँ गया मुझे अच्छा लगा देन एक आधो दो महीने के बाद मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं करा फिर उसने मुझे फिर बोला कि यार मैं अब फाइनली बेच रहा हूँ तो आज जिस गेम लाइक एक ऑफर के मैं इतने में खरीद लूँगा बार एट और जब मैंने वो खरीदा मुझे पहले दो महीने के अंदर तो नुकसान होना शुरू हो गया एंड देन तो मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली हुआ क्या राइट सो दो महीने के बाद थोड़ा नुकसान होने लगा स्लोली स्लोली राइट तो फिर मैंने उस पर स्टार्ट करा कि गरीब देना कि एक्जैक्टली कहाँ गलती हो रही है फिर hmm. रियलाइज कि अगर मैं खुद की मैन्युफैक्चरिंग करूँ तो बी मोर मनी राइट तो फिर मैंने अपनी खुद की स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी राइट wow. तो right? okay. so, फिर लाइक जस्ट एग्जांपल एग्जाम्पल अगर एक मैनुफैक्चर uh, होता है फिर आपका hmm. डिस्ट्रीब्यूटर uh, है पर होलसेल uh, है उसके बाद रिटेल तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुद मैन्युफैक्चर करके होलसेल होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे खुद ही रखूं प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया तो मैंने वो चीजें डालना शुरू करी फिर yeah. स्लोली स्लोली जब मुझे रियलाइज हुआ कि नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर देन अबाउट सेकंड लोकेशन फिर मैंने दूसरे सिटी से में सेकंड लोकेशन करी फिर ऐसे करते 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 आई थिंक आई हैव 157 लोकेशंस और समथिंग लाइक दैट और वेब सीरीज ऑल ओवर इन अमेरिका तो इस सारे प्रोसेस में अपनी अपने लिए टाइम कब मिलता था अपनी जिंदगी के लिए कब मिलता था सेट पार्ट इज रॉबिया के ना यू गॉट अ चूज अगर कामयाब होना है तो अपने आप को तो भूलना पड़ेगा ना अब आप बोलेंगे कि मैं पार्टी भी करूं मैं एंजॉय भी करूं मैं दोस्तों के साथ भी बैठा हूं और मैं वेकेशन भी लूं आई थिंक माय फर्स्ट वेकेशन इन मे बी वाज इन 2017

कि उस कहना बड़ा आसान होता है कि या फोकस कर लेंगे हम या फोकस करो लेकिन एक्चुअली इसको जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं और करते हैं तो अपनी ज़िंदगी की ये आसानियाँ और मज़े की चीज़ों को गिव अप करके बिकॉज़ वो 500 डॉलर एक्स्ट्रा बने तो उससे टेम्पटेशन होती है यार exactly. इसको और 500 डॉलर में यूएस में बहुत कुछ हो सकता exactly, है यू कैन गेट अ रियलाइजनो जो आपके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक हो बहुत ग्लैमरस नहीं भी हो तो वो सोचना कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा मैं इसको दोबारा री कर दूँगा या मैं

अ uh, रिच होने के लिए क्या करना पड़ता है सो दैट स्मॉल थिंग जस्ट बदर्स मी लाइक मुझे okay. बहुत हर्ड हुआ, हुआ कि यार मेरी छोटी बहन मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकती है राइट एंड टुडे लाइक यू नो लाइक जब वो मुझे हुँ. से देखा कामयाब होते हैं मैंने शी इज सो प्राउड माशाल्लाह तो ये हर छोटी-छोटी चीज काउंट होती है राइट right? आपको Uh, अगर कामयाब होना है तो यू हैव टू टेक स्टेप्स रिस्क लेना पड़ता है सो so, जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं जो यहाँ पर अपनी लाइफ बना हर जगह अपॉर्चुनिटीज है राइट सो मुझे लोग बोलते हैं कि आई वांट बी अली शिखानी मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे ये बनना है यून बी योर सेल्फ सो जब मैं कुछ करना चाह रहा था तो आई नेवर थॉट के मुझे ये बंदा बनना है ऑलवेज वो ना बी मी ना ऑलवेज वो भी अली शिखानी वो ना भी कोई कोई दूसरा बंदा नहीं बनना था मुझे सो mm बिकॉज -hmm. so मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ मुझसे बेहतर नहीं हूँ तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ थिंक ने बी अली शिखानी यू वा बी समी बैर दिन अली योर सेल्फ राइट

अगर आपने सोचना है कि आपको खाली अपनी लाइफ गुजारनी है बिल पे करने हैं सो यू डोंट नीड नो फोकस नो डिटर्मिनेशन बू वना बीस वरी एंड देन मैं मैं हमेशा कोई भी आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकता अगर अंदर से मोटिवेशन ना हो तो आपको mm -hmm. कोई कभी मोटिवेट नहीं गया यू कैन सी लाइक मोटिवेशनल स्पीकर से सुन लो किसी और को सुन लो लाइक like, कोई कामयाब mm -hmm. बिजनेस को सुन लो ये सब चीज़ें ये सिर्फ सुनने तक अच्छी हैं लेकिन कुछ भी आप नहीं कर सकते जब तक अंदर से आप ना बोले कि वो आ वो ना ड्यू दिस देंगे ना मुझे ये करना है और Uh, खाली अमेरिका में सक्सेस नहीं है पाकिस्तान में भी सक्सेस है yeah. मैं यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ मुझसे sure. बहुत ज़्यादा बड़े लोगों से मिला हूँ सो इट्स नॉट समथिंग खाली अमेरिका में सक्सेस mm -hmm. है नहीं यहाँ पर भी है और ठीक ठाक है जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल करता हूँ कि किस दिन सबसे ज़्यादा जिम फुल होते हैं आई एम श्योर फर्स्ट जनवरी

तो अब क्या उस दोस्त का फॉल्ट है जिसने आपको बताया था नहीं yeah. आपका फॉल्ट है yeah. आपने अपनी स्टडी करी थी yeah. आपने रिसर्च करी थी कंपनी के बारे में राइट right? और जैसे बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर राइट right? वो हमेशा yeah. एक ही बात बोलते हैं uh, क्या कहते हैं जो हम बंदे को रात को बोले ना उनको सुबह याद भी नहीं होगा एंड <laughs> जो फेसबुक और इंस्टा पे और यूट्यूब पे जो, आ, जो मोटिवेशनल कोड है वो देखने तक अच्छा है

गलत इन अ सेंस के जब आप तकलीफ़ में हो तकलीफ़ में क्योंकि मैं बार बार एक बात बोलता हूँ जब, जब आप जब आप लोअर मिडिल क्लास में होते हैं ना तो आपकी इज़्ज़त नहीं होती है जब आपकी इज़्ज़त क्यों नहीं होती है अब इसमें किसी की गलती नहीं है आई I मीन mean, ये मेरा अल्लाह का निज़ाम है लोअर मिडिल क्लास मिडल क्लास अमीर ये सब मेरा खुदा का निज़ाम है मेरी कोई औकात नहीं किया मैं इसको चेंज या बोलने की बात करूँ या पर हर एक बंदी के पास चांस होता है कि आगे बढ़ने का अगर आप लोअर मिडिल क्लास में तो आपको अगर बेज़ती हुई है तो उस बेज़ती को अपना मोटिवेशन बना दो उस तकलीफ को दिल में डालो कि यू नो वो मेरे साथ ये हुआ आल बी दिस जिस दिन ये आग आ गई ना उस दिन आपको अमेरिका का नहीं चाहिए आपको लंडन नहीं चाहिए आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहिए ये कराची ये पाकिस्तान आप यही यही आपका अमेरिका एंड यू विल बी समरी ट्रस्ट मी ये बताएं तीन फेलियर्स जो आपने फेस किए हो ओके और क्या सीखा उससे ओके okay, तीन फेलियर से एक सबसे बड़ा फेलियर हुआ था टू थाउजेंड थर्टीन में राइट right? hmm. uh, मैं कोई प्रॉपर्टी ले रहा था लाइक सो so मैंने डील करी एंड देन प्रॉपर्टी यूज सम मनी एंड उसकी जो डिपॉजिट थी आई उल like right? so uh, से लाइक एटी थाउजेंड डॉलर राइट सो मैंने एटी थाउजेंड डॉलर दिए एंड दैन मैंने कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं पढ़ा था सो आई लॉस्ट दैट एटी थाउजेंड डॉलर बिकॉज यस यस आई आई लॉस्ट उस टाइम पर बहुत बड़ी अमाउंट थी

पढ़ते हैं। खुद पढ़ता आपके ही आप तो लाइक 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 जो पॉइंट्स होते हैं मीन mm ऑल -hmm. I mean, like like 38 पेजेस फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं उसको mm -hmm. मैं खुद पढ़ता क्योंकि मुझे uh, इस चीज पर मैं साइन कर रहा हूँ so

Uh, when आई was लाइक uh, like, जब मैंने पहला गैस स्टेशन लिया था राइट right? सो hmm. so, hmm. एक uh, उसका बजट था कि भाई इसमें मैं गैस स्टेशन के टायर्स लगवाने वगैरह वगैरह लगने, ना राइट सो दे जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी चली गई थी राइट right? लाइक like, उसमें कंस्ट्रक्शन में चली गई थी एंड okay. देन फिर मैं सोच में पड़ी गया क्योंकि uh, मैंने अपनी गलती करी कि यार मैंने सही से बजट नहीं बनाया था एंड देन मैंने डाल दिया राइट right? तो so, फिर मेरे पास बाकी और पैसे नहीं थे स्टोर खोलने के लिए तैन उसके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ा राइट फिर लोन लेना पड़ा छो ना वगैरह राइट सो उससे चीज़ एक और चीज़ कुछ भी काम करने से पहले ना अपना कैलकुलेशन पूरा रखो लाइक बजट पूरा बना के रखो लाइक और तो हर चीज कैलकुलेटिव होनी चाहिए तो yeah. so, दो फेलियर ये हो गए hmm. uh, तीसरा फेलियर ओके okay, सोचना बहुत सारे कौन सा वाला बताएंगे हमें ये सोचना <laughs> okay, एक फेलियर 2010 थाउजेंड 9 और नाइन के टाइम की बात है आई फोन आई फोन में बाएंगे सेलिंग करता था राइट तो उस टाइम पे तो बहुत बड़ी अमाउंट थी और मैंने किसी से सेल फोन खरीदे आई फोन फोर एयर फॉर लाइक क्लोज टू लाइक वन सेवन थाउजेंड डॉलर राइट और जब मैंने फ़ोन ख़रीदे और लाइक उधर उस टाइम पे जब चेक नहीं कर सकते कि चोरी का फोन है लॉक फोन है वगैरह वगैरह सो आई बात द फोन राइट जब मैंने फ़ोन ख़रीदे तो उसकी आई एम आई वगैरह जो थी वो लॉक थी सॉरी सो आई लॉस सेवन थाउजेंड डॉलर बट

क्या जहन में चलता है हाउ हाउ डू यू फील यू नो एक अनरियल सी फीलिंग आती है कि वाकई डिड आई गो थ्रू ऑल ऑफ दैट या अच्छा अनरियल फीलिंग भी है और अच्छी फीलिंग भी है अनरियल फीलिंग इस बात के कि यार uh,

लेकिन ना सेम टाइम अगर आ, वो क्या ओके दिस इज इनफ़ देन आई एम डन देन उसके बाद कोई और फिर कोई और फिर कोई और हुँ. तो अमेरिकन ड्रीम जो है क्या वाकई वो आसान है अचीव करना आप क्या बोलेंगे उन तमाम नौजवानों को जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं okay. क्या एडवाइस देंगे <coughs> क्या रियलिस्टिक पिक्चर देना चाहेंगे आप ओके सो यू के okay. सबसे पहली चीज़ फोकस क्या है करना हुँ. क्या है Uh, अगर आप सोचते हो कि मैं अमेरिका जाकर पहले दिन से यू you नो know, एयरपोर्ट से उतरूंगा और दर लगे हुए डॉलर्स के अकेले थी एक हंड्रेड डॉलर्स बल्स और ऐसा नहीं होने वाला यू हैव टू स्ट्रगल फोकस एंड देन मेक योर लाइन ओके दिस इज वन आन बी ओके जस्ट एन एग्जांपल। हम कभी कहीं पर भी जाते हैं तो लोग हमसे पहले पूछते हैं कि आप करते क्या है कोई आपसे नहीं पूछता आप खाया गया आपने वगैरह ठीक yeah. है तो <clears throat> आपने हाथ मिलाया तो आपने आपको बता दिया कि द ई और यू हैव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यू आर रियल स्टेट गाय वग़ैरह वगैरह राइट आप किस एक किसी को अभी नहीं बता सकते ना कि हेलो दिस इज मी द नेम इज मेरा अमेजोन का भी काम है मेरे रिटेल भी है मेरे रिटेल का काम भी है मेरे अमेजोन भी हैं और मेरे चप्पल का, का काम भी है और ये काम भी वो काम भी सब नहीं बता सकते राइट सो हर काम आपकी एक पहचान बनती है ओके ठीक है ना आपको सबसे पहले अपनी एक पहचान ढूंढनी है hmm. फिर उसके बाद आप जो चाहो करो ओके okay. राइट तो मेरी पहचान बनी थी इन बैक इन 2012 ए विप सिटी के सर राइट मररिया वेप आउटलेट्स तो मेरी पहचान बनी थी कि भाई ये बंदा जो है सीईओ ऑफ शिखानी ग्रुप और सीईओ वेप सीरी राइट तो उसमें मेरी पहचान बनी थी फिर जो पहचान के बाद आप पचास लोगों से और मिलते हो फिर आप दूसरा भी काम कर सकते हो hmm. जब तक आपकी अपनी पहचान नहीं बनेगी यू कर एक चीज आपकी पहचान होनी चाहिए योर एक्टर योर एक्ट्रेस प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह कोई भी एक चीज होती है ना आई टी स्पेशलिस्ट कुछ भी कुछ भी है ना लाइक यू शेफ और

ओके okay. वो मैं फिर से वो वाला टॉपिक कहता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो हाँ। मैं कर रहा हूँ शायद कम कर रहा हूँ माशाल्लाह मुझे okay. अभी भी लगता है कि जो पोटेंशियल है उसके अंदर से मैं आई थिंक अगर पोटेंशियल ऑफ मैं आई आई थिंक एम स्टिल सेवन जो है जो मैं नहीं कर रहा हूँ जो okay. मुझे करना चाहिए सो okay. so, okay. पुलिस फोर्स का वो एक अलग ही था कि आई इन बैक इन द डेज क्यों नहीं मुझे पुलिस वाले के एक बनने का बड़ा शौक था

उस रिजर्व के अंदर क्या होता है कि यू आर ए कैप लाइक सेम पावर एवरीथिंग राइट बट यू डू वंस इन अ मंथ लाइक गो देयर वंस इन अ मंथ एंड यू डोंट गेट पेड राइट तो इट्स आउट ऑफ योर पैशन आफ्टर शौक एंड जस्ट जज्बा जिसके राइट फॉर मी आई जस्ट वांट टू डू लाइक यू नो लाइक कम्युनिटी के कुछ करना जरूरी ah, था मेरे लिए वेरी गुड हां अच्छा और उसके साथ-साथ अपने बाकी बिजनेसेस भी आप मैनेज कर सकते हैं यस इट इट वाज हार्ड तो पहली बार वो पूरा यूनिफॉर्म और बैज लेके वो हाउ इज दस किस को शो मारी आपने आ, ये तो नहीं पता किस किस को शो मारी <laughs> बीवी देख दी गला दवा <laughs> So तो बैज का वो एक वो अलग ही मजाप भी कानून ये बोलता है एंड बिजनेस का लॉ ये बोलता है तो दोनों को चीज़ों जब कम्बाइंड करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है ना हर चीज के अंदर तो नॉलेज नहीं हो आप आगे कैसे बढ़ेंगे आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी इलेक्शन में भी पार्ट लेने वाले हैं तो पाकिस्तानी जो यू एस में रहते हैं आपको क्या लगता है कि उनको ये रिप्रजेंटेशन इन यू एस गवर्नमेंट यूएस का जो लॉ मेकिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्यों ज़रूरी है और क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तानीज जो यू एस में रह रहे हैं वो उनको ज़रूरत है जो शायद नहीं मिल रही हैं जस्ट एन एग्ज़ाम्पल Uh, आज के टाइम पर जो है हमारी थर्ड फोर्थ जनरेशन अमेरिका के अंदर है राइट right? तो so, क्यों नहीं हमारे लोग होने चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर क्यों हमें uh, हमारी आवाज़ उठाने के लिए किसी और का दरवाज़ा खटखटाना पड़े हम क्यों खुद कुछ न, क्यों नहीं, नहीं क्यों नहीं करें हम क्यों खुद पॉलिटिक्स नहीं चलाएं हम क्यों खुद अपनी लॉ भी ना बनाएं हम क्यों खुद uh, गवर्नमेंट के अंदर ना हो हम क्यों हमारे लोग क्यों इलेक्शन में ना लड़ें क्योंकि एंड ऑफ दी डे लाइक द फ्यूचर का नई जो आने वाली जनरेशन है जो हमारे लोग पाकिस्तान से वहाँ मूव हो रहे हैं जो वहाँ पर हैं जो थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन है तो हमारा भी हक बनता है ना कि हम भी फैसले ले सके क्योंकि वो हमारे घर है हम वहाँ रहते हैं तो हमें भी हमारा हक हमारे हमारे हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारी चीज़ों के लिए हमारा भी हक है कि हम फैसले लें तो जब तक हमारे लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे हमारे लोग वहाँ की गवर्नमेंट में नहीं होंगे लाइक रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं हो सकेगी आपकी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है लाइक इसमें कुछ कुछ गलत वहाँ नहीं है वहाँ गलत कुछ नहीं है लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बना के आगे बढ़ो

आई हैव टू ट यू एज़ एक बहुत आई मीन इट्स वेरी स्वीट थिंक अभी जब हम इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा एक मिनट फिर उन्होंने फ़ोन निकाला और uh, एक ऑडियो नोट सुना तो जो इनकी अम्मी है वो कुछ अर्से पहले वफात पा गई थी अल्लाह उनको जन्नत में जगह थे लेकिन जो उन्होंने दुआएं की थी तो अली उन दुआओं को सुन रहे थे वो मुझे इतना अच्छा लगा इतना वो स्वीट जेस्चर था कि सो यी वॉज टेलिंग मी के so कोई भी काम होता है या रोज सुबह गाड़ी चलाने से पहले भी आप वो उनकी दुआएं सुनते हैं दैट्स व्हाट आई डू या क्योंकि अह गिव मी जस्ट अ सेकंड सो अम्मा ने ही बोला कि बेटा अरेंज मैरिज ही करोगे अह मॉम या या मॉम ने कहा था कि अरेंज मैरिज की जाए तो

Yeah. Excuse नहीं चाहिए रोकती नहीं थी कभी कुछ कभी नहीं रोकती थी किसी चीज में नहीं रोकती थी yeah. ना मुझसे कभी पूछती थी uh, ऐसा क्यों। कितनी मरतम ऐसा होता था नुकसान करके तो बैठी बच्चा बैठा होता mm. है और भी no problem, wow. कल, कल नया सवेरा है।, okay. है और जिस जो भी करो जिस दिल से करो एंड जस्ट डू इट कभी आकर ये मत बोलना कि काश मैं ये कल लेता बोले जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में काश आ गया ना उस दिन तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो Like, मेरी मोटिवेशनल करने के लिए मेरी माँ हमेशा उस देर कि बेटा कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं जस डूर क्या नुकसान होगा ना इट्स ओके इट्स ओके जस्ट गेट इट डन सोज एन अमेजिंग वाँ की याद कभी और माँ की uh, चीज़ें कभी खत्म नहीं होती हैं माँ की दुआएं जो होती हैं एंड मैं हमेशा से कहता हूँ कि खुश नसीब हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप जिंदा हैं और वो ये ऐसी चीज़ है कि जब माँ चली जाए या बाप चले जाए तो फिर वो चेंज नहीं कर सकते आप कभी उसको वापस से आ, नहीं आ सकते आप कुछ नुकसान कर लो सब आ जाता है वापस लेकिन जब माँ बाप की मोहब्बत जो माँ बाप का जो प्यार है ना वो आप कहीं से भी नहीं ला सकते हैं सो अगेन यू नो जो भी सुन रहे हैं जो देख रहे हैं कि भाई जो माँ बाप हैं उनको कदर करें उनकी कदर करें, करें, करें। उनकी क्योंकि एक मरतबा जाने के बाद वो वापस नहीं आता पाकिस्तान अच्छा, uh, कितना मुश्किल है क्या चैलेंजेस होते हैं चैलेंज डिपेंड करता है आपको करना क्या आपको अपने अपने कल्चर में डालना है या फिर वहाँ बाहर के कल्चर में रहने देना है तो रेजिंग किड्स इज इज नॉट

हो जाता है लाइक like, यहाँ पर डिसिप्लिन सिंपल है माँ ने चप्पल उड़ाया <laughs> दो दो जूते मारे खीच खीच के और सारी आपकी पर्सनल स्पेस पर्सनल इधर स्पेस इधर और आप सब ठीक हो गए <laughs> like, मुझे आज भी याद है कि लाइक like, मेरी डैड की मतलब सारी चीजें एक मिनट में समझ आ जाती है मेरे बच्चों को भी आ जाती है अगर मैं उनको एंड ऑफ दी डे आई एम तो मेरे बच्चे बहुत हद तक आँख समझ जाते हैं अब्बा काम डाउन काम डाउन अब खत्म कर दो

पाकिस्तान में क्या प्लान्स हैं आपके पाकिस्तान में डू यू फील क्या वो टाइम है वे यू शुड बी गिविंग बैक टू पाकिस्तान क्या आप कुछ करते रहे हैं पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की कम्युनिटी को वापस देने के लिए इन पाकिस्तान या अभी क्या आपके प्लान्स हैं मेरा ऑफिस पर

के okay, mm -hmm. और फिर मुझे मेरे मैनेजर ने बताया कि ओके देर अ मैसेज लिंक्डइन के ऊपर इस तरीके से जॉब के लिए राइट right? सो mm -hmm. so, मैंने उसको वहाँ पर अपने रिफर uh, कर दिया और कराची के ऑफिस में उसको जॉब आई थिंक इसमें स्टार्ट प्रॉब्ली लाइक फर्स्ट

जैसे कि शिखानी प्रोडक्शन इस इंशाल्लाह बाटी भी लॉन्च होपफुल इन दिसंबर पूरी कोशिश है तो अंदर इस इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है आपका ड्रामा एंटरटेनमेंट से कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है ये प्रॉम्प्ट कैसे हुआ पैसा

कि हर कोई काम करना चाह रहा है True. पर लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको नहीं मिल पा रहे लाइक समथिंग डिफरेंट लाइक सम कोई ऐसा शो जिसके अंदर uh, सच्चाई भी नजर आए लाइक आई थिंक इट बीन इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स इयर्स एक ही चीज मैंने जब लोगों से बात करी एक ही बात mm. बोलते हैं यार थक गए यार बहू ने सास ने बहू के ऊपर जुल्म करा बेटे ने दूसरी शादी कर ली और यू नो लाइक ऑल यू नो गरीब mm. अमीर या लाइक ये चीज समथिंग इज लाइक इट्स नॉट बोरिंग इज ऑलवेज गो इज

Uh, कुछ ऐसे काम होते हैं कि आप बंदा हायर कर लेते हो लाइक like, जो फील्ड का एक्सपर्ट है मुझे 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 नहीं 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 मालूम मालूम कैमरा yeah. कैसे कैसे लगता है yeah. मुझे नहीं yeah. कैसे होती है है कि एक्टिंग होती पता मीन I mean, तो जो लोग कोई एक्सपर्ट वो काम करेंगे तो आँग न, आँग so आप छोटे स्केल का सोच रहे हैं या यू you नो know, okay. चार कैमरे लेकर एवरीथिंग और एवरीथिंग चार कैमरे लेकर दो लाइटें लेकर तो मुझे काम नहीं करना ना गुड तो okay. काम करना तो पूरा करना है चलिए वी आर हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज़ आई थिंक अ फ्रेश आइडियाज फ्रेश माइंड फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू आए तो उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है um, अगर आप देखें तो हमारे जो ड्रामे पूरी दुनिया भर में देखे जा रहे हैं बिल्कुल हमारे हर प्रोडक्शन uh, हाउस आज के टाइम पे डूइंग गुड राइट बैक टू बैक प्रोजेक्ट मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ so, बोला हो कि मेरे पास uh, काम नहीं है ऐसा किसी ने भी नहीं बोला सबने बोला काम है सब कुछ है पर तो। सब कुछ माशा सबको नया करने का सब कुछ नया करने का है तो अगर सब कुछ नया करने का है तो क्यों ना अपॉर्चुनिटी डाली जाए बिल्कुल बिल्कुल फॉर मी इज ऑल कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ से पैसा मरना है दरअसल

फुल फ्लैश फुल नहीं, नहीं करी थी उसके बारे में राइट right, कभी प्रमोशन तो नहीं, नहीं करी थी तो काफी हैं दो पाँच सौ हजार फैमिलीज हैं लाइक ऑफ़ कोर्स

इन yes, टच हो सकते हैं yeah. अगर किसी को कोई आइडिया देना हो या कोई इंक्वायरी हो तो आप सर्च uh, कर सकते हैं सोशल मीडिया पर टू गेट इन टच विद हेम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वॉज अ लवली कॉन्वर्जेशन आई होप जो लोग सुन रहे थे उनको आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो को, और जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं तो आपको कुछ रियलिस्टिक सिचुएशन uh, पता चली हो आई थिंक अली हैड सो सच रियली गुड पॉइंट्स वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स अबाउट फोकस अबाउट डिसिप्लिन यू नो अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसिज इन योर लाइफ एट द राइट टाइम मैंने तो आजकल आज बहुत कुछ सीखा तो आई होप आपको भी हेल्प हुई हो चाहे आप पाकिस्तान में हो या चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों टू हैव टू फॉलो योर ड्रीम्स टू रीच समवेयर आई होप दिस इंटरव्यू वुड मेक अ डिफरेंस इन मेकिंग योर मेकिंग द राइट चॉइसिज फॉर यू सो थैंक यू सो मच अली वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी होप कि हम बहुत जल्द आपको एक सुपर हट ड्रामे के बाद आपकी प्रोडक्शन हाउस के बाद हम आपको इंटरव्यू कर रहे होंगे विद द कास्ट एंड वी विल टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ प्रोड्यूसिंग इन पाकिस्तान अदर देन द रियल स्टेट एंड यू नो ऑल दैट यू टेक केयर एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स